मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नाबालिग के साथ दुराचार का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कल्याण में ट्यूशन पढ़कर घर जा रही एक नाबालिग लड़की का पीछा कर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने वाले एक ऐसे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार, मारपीट के अन्य मामले पहले से ही दर्ज है। कुलसेवाड़ी पुलिस ने पॉक्सो छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुलसेवाड़ी परिसर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़ने के बाद वो अपने घर वापस लौट रही थी और इसी समय विशाल गवली नाम का आरोपी उसका पीछा किया और सरेराह उसे सड़क पर गिराकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। लड़की ने घटी हुई घटना के बारे में अपने घर जाकर परिजनों को बताया और उसके बाद कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले की जानकारी दी गई। डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने आरोपी विशाल गौली को महज एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। विशाल के ऊपर छेड़खानी, बलात्कार व मारपीट के मामले पहले से ही दर्ज हैं, जो एक नामी गुंडा है और इलाके में दहशत फैला रखा है। फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर महेंद्र देशमुख ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। प्रकरण असं है कि दिनांक 2/8/2023 रोजी याच्यामधली जी अल्पवयीन मुलगी आहे ती कॉलेजमधून परत येत असताना यातील जो आरोपी आहे विशाल गवळी हा त्याच एरियात राहतो, आणि ती मुलगी एकटी असल्याचं बघितलं आणि तो स्कूटरवरून तिला परत फिरून तिच्या पाठीमागे आला आणि त्याने तिच्या स्त्रीमानास लज्जा होईल असं कृत्य केलेलं आहे। ती कृत्य काही डिटेल सांगता येणार नाही आपल्याला इथे, आणि त्याप्रमाणे आपण 354D, 323, 504, 506 IPC आणि पोस्को सेक्शन 8 गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि आरोपीला देखील आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। आता पुढची कारवाई पोलीस करत आहे। गवळी हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे। विशाल गवळी हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार, याच्यावर पूर्वी देखील गुन्हे दाखल आहेत आणि सर्वात गुन्हेगार आहे तो।